दोस्तों भाई नमस्कार सभी को। दोस्तों सभी का आदरमंत YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भाई बीपीएससी के अंदर दोस्तों जो पेपर होने वाला है उसको लेकर के एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के। दोस्तों आप जानोगे कि अब बीपीएससी जो 3.0 की जो भर्ती होने जा रही है उसमें सर हर दिन नए नए बदलाव आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था, एक सेशन किया था सर, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई सेंटर बदल लिए जा रहे हैं, प्रिंटिंग जो मशीन जो छपाई वाली जो केंद्र है उसको बदला जा रहा है। तो दोस्तों उसको लेकर के बहुत सारे बदलाव हुए। अब दोस्तों यहाँ पर आज देखिए आप, कल सर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग साफ साफ बताया गया है कि हम लोग इस बार जो 5 तारीख को सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पहले 5 मार्च को परीक्षा हुई थी और ये लीक होने की वजह से अब क्या क्या सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों उसको लेकर के आज के पेपर में दोस्तों कुछ कैसी कटेंगे कुल मिला के इस टाइम जो 5 मार्च की जो परीक्षा होने वाली है, पेपर लीक होने की वजह से ना सर बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो शायद पहले कभी नहीं हुई सर, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात करेंगे, आप यहाँ देख रहे हो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। ये सर पहले नहीं हुआ कभी। ये रंगीन कोडिंग का क्या चक्कर है कि उन्होंने कहा था पेपर सेट जो होगा सर सेट वाइज होगा और आगे पीछे वाला पेपर होता है बदला हुआ। तो यहाँ पे सर एक साफ साफ बात लिखी गई है जिसको अंडरलाइन भी कर दिया है, प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार करे जाएंगे, ये अलग अलग रंगों के होंगे और प्रश्न पत्रों का कलर कोडिंग की गई है। यानी कि सर जैसे मेरे को सर वो बोर्ड का पेपर याद आ गया, जैसे सेट ए होता था, बी होता था, सी होता था और डी होता था, सबका सेट अलग अलग होगा, मेरे आगे वाले का, मेरे पीछे वाले का, और उनकी कोडिंग अलग अलग कलर से करी गई है। इसका एक ही पर्पज है सर, ताकि किसी भी कंडीशन में अभी पेपर सर लीक नहीं होना चाहिए और पेपर बहुत ही सुचारू ढंग से कहते हैं बिना किसी दिक्कत के आराम से, क्योंकि बच्चे सर बहुत मेहनत करते हैं। और सर सबसे बड़ी बात सर एक और चीज यहाँ बताई गई है सर, ये वाली चीज सर सबसे बड़ा दोस्तों इसमें यह है, देखिए आप कि भाई तीसरे चरण की जो नियुक्ति परीक्षा होगी दोस्तों उसमें क्या बदला जा रहा है कि भाई रिजल्ट जो होगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगा। इससे ज्यादा बड़ा बदलाव तो हो ही नहीं सकता कि इस तरह की पहली बार, मैं तो कहूंगा सर अभी जो बीपीएससी पहले हुआ सर उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन लगा था, नहीं लगा था, लेकिन ऐसा पहली बार उम्मीद करी जा रही है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा सर। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बहुत से बच्चे सर कह रहे होंगे सर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, वो ठीक है लेकिन सर बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं बताओ होगा। तो इन्होंने साफ लिख दिया यहाँ पर, देखिए आप कि भैया क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, पेपर कितना कठिन था, इसका स्तर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान चलो आपके परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय यह किया जाता है कि यदि कोई 70 नंबर भी लाया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन पेपर सरल होता है उसका उल्टा कर दिया जाए कि भाई 100 नंबर जो है वो लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है और जिस दिन के पेपर में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से कम अंकों वाली शिफ्टों में अंक जोड़ करके उनकी बराबरी कर दी जाती है। तो सर ये तो एक इतना बड़ा बदलाव होगा, मैं कहूंगा सर ये इंप्लीमेंट होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लीज साथियों आप लोग बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा आपके आने वाले रिजल्ट पर। सर अगला सर वीडियो में इसी के ऊपर रखते हैं, काफी बच्चों का ये सर कि कितने स्टूडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं और उसका फर्क क्या पड़ेगा, क्या सर मेरा सिलेक्शन होगा, मतलब काफी ऐसे बच्चे जिनका सर पहली शिफ्ट में होगा उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे शिफ्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों ऐसी खबरों के लिए मैं फिर कहूंगा एग्जैक्ट और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे साथ अध्ययन मंत्रा परिवार पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अभी बीपीएससी की मैराथन भी चल रही है सर, आप उस मैराथन से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों जो मेरे नए साथी है सर हमारे, है ना सर, बहुत जुड़े बच्चे भी ऐसे भाई, बहुत शेयर को दोस्तों लाइक, और भाई जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भैया आपको जो भी लगता है आप अपनी कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा, ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथी, जय हिंद जय भारत।